राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में होली के दिन हुई फायरिंग में एक शख्स की जान जाने के बाद उसके परिजनों ने बुधवार को प्रदर्शन किया। मृतक विनोद का शव पोस्टमार्टम के बाद उनके परिजनों को सौंपा गया, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने विनोद के शव को मंगोलपुरी स्थित वाल्मीकि चौक पर रखकर जबरदस्त प्रदर्शन और हंगामा किया। इस दौरान परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर अपना रोष भी व्यक्त किया और देखते ही देखते सड़क पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। हालांकि स्थिति को देखते हुए मौके पर पुलिस बल भी पहुंच गया और सड़क पर काफी देर तक यातायात प्रभावित रहा। इस दौरान पीड़ित परिजनों ने पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब भी पुलिस उन्हें वीडियो नहीं दे रही, उन्हें केवल इंसाफ चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। परिजनों ने आरोप लगाया कि मंगोलपुरी थाना पुलिस सिर्फ खाना पूर्ति कर लीपापोती कर रही है। मौके पर पहुंची मंगोलपुरी थाना पुलिस ने परिजनों को काफी समझाया और उन्हें सीसीटीवी फुटेज दिखाने और जल्द कार्रवाई कर अन्य आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन दिया, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा शांत किया। कोई नहीं आया मेरे भाई के पास, अल्लाह के पास बंदूक थी, रोक सकते थे, मेरा भाई बच सकता था, किसी ने रोका नहीं, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, पुलिस वालों के सामने गोली मारी गई है, अब भी कह रहे वीडियो नहीं देंगे, रिश्वत खा के बैठे हैं, कैसे दे दे वीडियो, पुलिस वाले आ रहे हैं सामने, पुलिस वाले सामने आया, पूरे घर पे कब्जा कर लिया, ताले लगवा लिए, पुलिस वालों ने सड़क पे फेंक दिया हमें। गोली मारते हुए मेरे भाई को चार गोली मारी, सब सबूत उस वीडियो में, सारे मुजरिम अभी तक किसी मुजरिम को अरेस्ट नहीं करा गया है, सारे मेरे भाई का फोन अभी तक फोन है और पुलिस के पास नहीं है, फोन औरत ने मारा, उसके बेटे ने मारा, फोन उसने अपनी जेब में रख लिया, वो वीडियो चाहिए। उस औरत का नाम है उमेश, जिसने मेरे भाई को मरवाया है और उसके बेटे का नाम है जगदीप, जिसने गोली मारी है। कि होली के दिन जमीनी विवाद के चलते फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें तीन लोग घायल हुए थे। घायलों को अस्पताल ले जाया गया था, जहां घटना में घायल हुए विनोद नाम के शख्स ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। इसके बाद से परिजनों ने इंसाफ की मांग करते हुए बुधवार को सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।